साथ टीवी। विमला घर पर बैठकर कैलेंडर देख रही थी। अभी कौन से त्योहार आने वाले हैं? राखी चली गई, बकरीद भी चला गया। अब कृष्णाष्टमी आने वाली है। घर पर कृष्ण भगवान की एक भी मूर्ति नहीं है। होता तो अच्छे से पूजा करके बड़े बड़े वरदान मांग लेती। हाँ, मेरी सास के पास कृष्ण भगवान की मूर्ति होगी, वो मांग कर ले आती हूँ। ऐसा सोचकर विमला अपने सास के घर पहुँची। क्या बात है, इधर कैसे आना हुआ? बस यूं ही आई थी सासू माँ, देखने आई थी कि आप क्या कर रही हो। ऐसा कहते हुए वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, हे प्रभु, हर दिन आपकी पूजा कर रही हूँ, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती। हाथ लगी चीजें यूं ही निकल जाती हैं, क्यों प्रभु क्यों? वो अपने दुखड़े सुनाने लगी। क्यों री, इतना क्या प्रार्थना कर रही है, कौन सा वरदान मांग रही है? कुछ नहीं सासू माँ, कल कृष्णाष्टमी है ना, ये मूर्ति मुझे दे दो, घर पर पूजा करूंगी। बस इतना ही? अच्छा ले जाओ, कहकर उसने वो मूर्ति दे दी। उस मूर्ति को लेकर विमला अपने घर पहुंची। उस मूर्ति को घर पर रखकर वो पूजा का सामान खरीदने बाजार गई। विमला के बाजार जाते ही विमला की सास विमला के घर पहुंची। घर पर विमला को ना देखकर, हे कृष्णा, मेरी छोटी बहू का भाग्य खोल दीजिए, वो जो भी करती है सब गड़बड़ हो जाता है, उसने भगवान से कहा। तब भगवान प्रत्यक्ष होकर बोले, उसकी तकदीर ऐसी ही है, मैं उसके जितना भी भला करना चाहता हूँ वो अपने ही हाथों से सब कुछ बिगाड़ लेती है। अब से ऐसा मत होने दीजिए प्रभु, वो आपको घर लाकर पूजा भी कर रही है ना, आप सब देख रहे हो। वो जितना भी करे उसकी तकदीर नहीं बदलेगी, चाहो तो तुम ही देखो। दोनों वहां से गायब हो गए। विमला अपने हाथ में एक थैली लिए रास्ते से चलते हुए आ रही थी। उसी रास्ते में कृष्णा और सास भी प्रकट हो गए। वो देखो, तुम्हारी बहू उतने दूर से चली आ रही है, अब मैं उसके रास्ते में सोने से भरा एक बोरी रख दूंगा, क्या होता है तुम खुद ही देख लेना। ऐसा कहकर विमला के रास्ते में एक सोने से भरी बोरी रख देते हैं। उसी रास्ते से चली आ रही विमला को अचानक से एक ख्याल आता है, अभी मेरे दोनों आँख ठीक है इसीलिए आराम से चल पा रही हूँ, अगर मेरी आँखें ही ना हो तो कैसे चलूंगी, एक बार चलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर उसने आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया। उस बोरी को पार करने तक वो आंखें बंद करके ही चली। बाप रे, बिना आंखों के बहुत मुश्किल है बाबा, वो ऐसा सोचकर आगे बढ़ने लगी। ये देख विमला की सास अचंभित रह गई। देखा तुमने? नहीं प्रभु, उसे पता नहीं था कि वहाँ सोना है, इसीलिए आंखें बंद कर ली, वरना। जानकर भी वो ऐसा ही करती, चाहो तो देख लो, मैं जाकर उसे सोने के बोरी के बारे में बोलूं तो क्या बोलेगी तेरी बहू, कहकर रूप बदल कर वो विमला के पास पहुँचे। अरे पगली, लगता है तुम सचमुच अंधी हो, तुम्हारे रास्ते में सोना पड़ा है और तुम आंख बंद करके चल रही हो, लगता है बदकिस्मती तुम्हारे सर पर मंडरा रही है, पीछे जाकर वो सोना ले जाओ। तब विमला मुस्कुराकर बोली, मुझे क्या पागल समझ रखा है, उधर सोने की बोरी होती तो तुम ही उसे चुपचाप लेकर भाग जाते ना, यहाँ तक आके मुझे बताते तो नहीं, जाओ जाओ, मस्त मजाक हो गया। ऐसा कहकर वो अपने घर के लिए निकल गए। कृष्णा वापस विमला के सास के पास पहुँचे। देखा तुमने? हाँ प्रभु, लेकिन अभी आपकी मूर्ति उसके घर पर ही है ना, अब तो उसका थोड़ा भला होना चाहिए ना। तब कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले,
जिसके घर वो मूर्ति होगी उनका तो भला ही होगा, लेकिन तुम्हारी बहू उस मूर्ति का क्या करेगी तुम खुद ही देख लेना। ऐसा कहकर कृष्णा गायब हो गए। कृष्णा के गायब होते ही पता नहीं तेरी तकदीर कब बदलेगी, ऐसा सोचते हुए वो घर चली गई। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इस तरह दिन बीतते चले गए। विमला के साथ कोई भला नहीं हुआ। चार दिन बाद विमला की सास विमला के घर आई। विमला, क्या चल रहा है? तेरा नसीब बदल कर कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए था ना। तभी श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए। कहाँ का सौभाग्य, तेरी बहू मेरे मूर्ति को ले जाकर सेठ के दुकान पर बेच आई। अब उस सेठ का नसीब खुल गया है। कल ही उसे 1 करोड़ की लॉटरी भी लगी थी। इसका नसीब ही ऐसा है। मैं चला। ऐसा कहकर वो गायब हो गए। छी छी, तू कभी नहीं सुधरेगी। घर आए तकदीर को तूने सेठ के दुकान पे बेच डाला। जा, कैसी औरत है तू। वो डांटने लगी तो विमला ने बोला, क्या हुआ सासू माँ? पूछ रही है क्या हुआ? उस कृष्णा की मूर्ति जिस घर में होती है वह सब भला होता है, लेकिन तू उसे बेच आई। कैसी फूटी किस्मत है तेरी। छिछी, उस मूर्ति की वजह से किस्मत बदल जाती है क्या? मैंने उसे अनजाने में 500 रुपए में बेच दिया। हाँ, जब चिड़िया खेत चुग गई तो पछताने का क्या फायदा। बेवकूफ कहीं की, तुझे कोई नहीं सुधार सकता। जा भाग। ऐसा कहकर सास सीधे सेठ जी की दुकान पर गई और विमला के लिए हुए पैसे वापस करके उस कृष्ण की मूर्ति को लेकर अपने घर चली गई। घर आए सौभाग्य को अनजाने में दूर करने के गम में विमला रो रही थी। मैजिकल डोर। विमला अपने घर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर, हे भगवान, आपको मुझ पे दया क्यों नहीं आती? हाँ, सब देते हो लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले ही छीन लेते हो। मुंह का निवाला छीनना क्या आपको शोभा देता है? क्यों भगवान तुझे मुझ पर दया नहीं आती? मैं क्या कोई पापी हूँ? वो बोल रही थी कि उसके घर का कॉलिंग बेल बजा। पीछे मुड़कर, भगवान की पूजा भी नहीं करने देते ये लोग, ऐसा बोलते हुए वहां से उठकर उसने दरवाजा खोला। बाहर करंट बिल वाला खड़ा था। अरे मैडम, आपने 2 महीने से बिल नहीं भरा है। नहीं भरा तो क्या घर पे आ जाओगे? कनेक्शन काटने के लिए आना तो पड़ेगा ना मैडम। क्या कहा, कनेक्शन काट देगा? नहीं नहीं भाई, रुक जा, बिल के पैसे ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे के दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलती। बाहर से, अरे मैडम आती हो या कनेक्शन काट दूं? रुक जा, आती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने दरवाजे को जोर जोर से लात मारी। बस वो दरवाजा टूट गया। पैसे लेकर उसने बिल भर दी। पैसे लेकर वो आदमी चला गया। उसके जाते ही, एक काम तो हो गया, उसने सांस ली। हाँ, अब ये दरवाजा टूट गया है, वो पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? वो मुझे खूब गाली देंगे और बहुत मारेंगे भी। ऐसा सोचकर वो डरने लगी। इतने में विमला की सास वहां पहुंचकर बोली, क्या हुआ, तू ऐसी क्यों है? जल्दबाजी में दरवाजा टूट गया सासू माँ, अब आपके बेटे आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। बस इतनी सी बात के लिए इतना डर रही है? नया दरवाजा लगा देते हैं। अभी के अभी नया दरवाजा कहाँ से आएगा सासू माँ? क्यों नहीं मिलेगा? कहकर उसने अपने कीचेन से लगा कहकर
उसने अपने कीचेन से लगा एक छोटे से दरवाजे का खिलौना निकाल कर उसको दिया। वो लेकर, क्या सासू माँ, इतना छोटा दरवाजा यहाँ कैसे आएगा? ये मेरी उंगली जितना भी नहीं है। तू पहले इसे ले जाके वहाँ रख के आंख बंद कर, उस दरवाजे का जादू तुम्हें समझ आ जाएगा। विमला उस दरवाजे के खिलौने को ले जाकर वहाँ रख कर आंख बंद कर लेती है। जब वो आंख खोलकर देखती है तो वहाँ बड़ा दरवाजा होता है। ये देख विमला अचंभित रह जाती है। देखा तुमने, अब ठीक है ना? हाँ सासू माँ। देखा तूने, मैंने कहा था ना ये मैजिकल डोर है। मैजिकल डोर? ये डोर क्या करती है सासू माँ? उस दरवाजे के सामने खड़े होकर तुम्हें जहाँ जाना है ये बताकर मंत्र पढ़ोगी तो उस जगह पर दरवाजा खुल जाएगा। अंधेरा होने तक वहाँ रहकर वापस आ सकते हैं। वो मंत्र मुझे बताइए ना, उसने पूछा। सासू माँ ने वो मंत्र बताया और वहाँ से चली गई। सासू माँ के जाते ही पता करते हैं कि सासू माँ ने सच कहा था या झूठ। कहाँ जाऊँ? हाँ, ताजमहल देखकर आती हूँ, उसने सोचा और उस दरवाजे के सामने खड़े होकर आंख बंद करके मंत्र पढ़ा। उसके आंख खोलते ही वो ताजमहल के पास थी। अरे वाह, कितना सुंदर है, मेरी सास ने सच्ची ही बोला था। ऐसा सोचकर ताजमहल को देखकर शाम होते ही मंत्र पढ़कर घर वापस आ गई। इस तरह वो रोज एक नई जगह जाती थी। एक दिन आईफल टावर, एक दिन लाल किला, इस तरह हर खूबसूरत जगह जाकर देख आती थी। इस तरह एक दिन विमला ने सोचा, ये सब जगह नहीं, एक समय में डायनासोर रहे करते थे, वो कितना सच है मैं भी देखना चाहती हूँ। इस दरवाजे के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ूंगी कि मुझे डायनासोर के रहने वाली जगह पर ले जाए। हाँ, ऐसा सोचकर वो दरवाजे के सामने खड़े होकर मंत्र पढ़ी। आंख खोलते ही वो डायनासोर के सामने खड़ी थी। उन्हें देख विमला दंग रह गई। एक कोने में जाकर उन्हें देखने लगी। छोटे से डायनासोर ने विमला को देख लिया और चिल्लाने लगा। बस विमला डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। अब सारे डायनासोर उसके पीछे पड़ गए। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगी। उतने में, हाँ मंत्र को पढ़ती हूँ, अरे रे मुझे मंत्र याद क्यों नहीं आ रही। ये सोचकर वो भागने लगी। वो डायनासोर बस विमला के करीब आने ही वाली थी कि विमला को मंत्र याद आ गया। बस मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल गया। वो आंख बंद करके दौड़ रही थी, इसलिए पैर आड़े आने की वजह से वो गिर गई और होश खो बैठी। इतने में उसके मुंह पर किसी ने पानी छिड़का तो उसे आंखें खोली। देखा तो सासू माँ थी। क्या हुआ? वो सासू माँ। उसने सारी बात उन्हें बताई। सब सुनने के बाद सास बोली, मैं जानती थी कि तू ऐसा बेकार का काम जरूर करेगी। एक और मिनट भी ये दरवाजा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वो दरवाजा लेकर चली गई। विमला ने सोचा कि आज वो बाल बाल बच गई। मैजिकल कोन। विमला हाथ में एक थैला लिए सब्जी खरीदने जा रही थी। जाते जाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। वहाँ क्या हुआ, इतने लोग जमा हुए हैं? आकर देखती हूँ, ऐसा सोचकर वो गई। उस पेड़ के नीचे सारप्पा नाम का एक आदमी जादू कर रहा था। उसने अपने हाथ में एक कंघी पकड़कर, देखो भाई लोग, ये साधारण कंघी नहीं है, मैजिकल कंघी है। आप लोग मेरे सामने आकर जिस प्रकार की भी हेयर स्टाइल चाहिए बताइए,
इस कंघी को मैं आपके सर पे रखूंगा और आपका मन पसंद हेयर स्टाइल आ जाएगा। अरे पागल समझ के रखा है क्या? छूने से हेयर स्टाइल हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, अगर हो गया तो आप मुझे 1,000 रुपए दीजिए। ठीक है, मुझे पवन कल्याण जैसा हेयर स्टाइल चाहिए। सारप्पा ने उस कंघी को शिवा के सर पर लगाया, उस पर एक रुमाल को ढककर निकाल दिया। बस उसका हेयर स्टाइल एकदम पवन कल्याण जैसा बन गया। उसे देखकर सब दंग रह गए। उसके बाद एक के पीछे एक काफी लोग आकर अपने मन पसंद हेयर स्टाइल बनवा कर जाने लगे। ये सब देखकर विमला ने सोचा, मैजिकल कंघी, इसे किसी भी तरह मुझे हथियाना पड़ेगा। नारप्पा अपना शोक खत्म करके सारी चीजें पैक करने लगा। आपका मैजिक मुझे बहुत पसंद आया, आज आप हमारे घर आकर हमारे घर को पावन कीजिएगा। उसने नारप्पा को मना कर घर ले जाकर पेट भर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद नारप्पा को खूब नींद आ गई और विमला के घर के आंगन में ही सो गया। नारप्पा के सोते ही विमला धीरे से जाकर उसके झोले में से जादुई कंघी को निकालकर एकदम उसी तरह दिखने वाला दूसरा कंघी रख दिया। थोड़ी देर बाद नारप्पा को होश आया और अपनी झोली लेकर वहां से चला गया। अब मैं ये मैजिकल कंघी मेरा है, इससे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाऊंगी। वो शीशे के सामने बैठ गई। हाँ, कौन सा हेयर स्टाइल करूं? हाँ, ओ बेबी, मैं समंता के जैसा हेयर स्टाइल करूंगी। ऐसा सोचकर उसने अपने सर पर उस कंघी को रखा। पलक झपकते ही उसका हेयर स्टाइल समंता जैसा बन गया। वाव, ये तो सचमुच जादू है। ऐसा सोचकर उसने 3-4 हेयर स्टाइल और ट्राई किए। ऐसे नहीं, इस कंघी से मैं पैसे कमाऊंगी। पास के गांव में जाकर मैं हेयर स्टाइल बेटिंग लगाकर खूब पैसे कमाऊंगी। हाँ, उसने सोचा और पास के गांव गई। उस गांव में कुछ लोगों के बीच खड़ी होकर, आपसे एक शर्त लगाती हूँ, अपने मर्जी का हेयर स्टाइल बताओ, पलक झपकते ही आपको वो हेयर स्टाइल बना दूंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगी, अगर कर पाई तो आप मुझे दे देना। बहुत से लोग विमला के शर्त को मानकर आगे आए। विमला ने आए हुए लोगों को उनका मनपसंद हेयर स्टाइल चुटकी में बनाकर काफी पैसे कमा लिए। इधर मैजिकल कंघी को खोकर बिना किसी काम धाम के नारप्पा पागलों की तरह गांव-गांव घूमता हुआ विमला जिस गांव में थी वहां पहुंच गया। उसने पहचान लिया कि विमला के पास उसी की कंघी है। खाना खिलाने के बहाने ले जाकर मेरी कंघी को ही चुरा लिया, बताता हूँ। उसने सोचा और विमला के पास गया, लेकिन विमला नारप्पा को पागल के भेष में पहचान नहीं पाई। बोलिए, आपको कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार उस कंघी को छू लेने दीजिए, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। बस इतना ही? ये लो, इसे छुओ और पैसे निकालो, कहकर उसने कंघी नारप्पा को दी। कंघी लेकर नारप्पा ने उस कंघी के मैजिकल दांत को तोड़ दिया और कंघी वापस कर दी और चला गया। हाँ, और कोई है? इस तरह 1-2 हजार में क्या होगा? अभी जो लड़की आ रही है उसे आप मूवी के हीरोइन जैसा हेयर स्टाइल बनाओ, मैं आपको 1,00,000 दूंगा। अगर आप नहीं कर पाए तो अभी तक जितना भी आपने कमाया है सारा मुझे देना होगा। ठीक है, पैसे तैयार कर ले। विमला ने उस औरत के सर पर कंघी रखी।
उसे रुमाल से ढका। अब देखो, इस रुमाल के निकालते ही इनका हेयर स्टाइल एकदम हीरोइन की तरह हो जाएगा, कहकर उसने रुमाल निकाली। सब लोग दंग रह गए। उस औरत के सारे बाल झड़कर वो गंजी बन चुकी थी। ये देख विमला दंग रह गई। तुम नहीं कर पाई, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। उसने उस गंजी औरत के सर पर कंघी रखी और रुमाल से ढक दिया। बस उस औरत के बाल वापस आ गए। लोग आश्चर्य से देखते ही रह गए। विमला को सब समझ में आ गया। सारे पैसे उसने नारप्पा को दे दिए और चुपचाप वहां से निकल गई। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।